हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक पिकअप कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, आपके हायर सेल्फ के मैसेज देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, और अगर आपके पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइए। अगर आप जितने ज़्यादा लोग कहेंगे मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊँगी एक। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीन पायल रखी हुई है, आप इसमें से कोई एक पायल चूज कर लीजिए जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको। तो चलिए जिन्होंने फर्स्ट पायल चुनी है उनकी रीडिंग देखते हैं आप। तो जिन्होंने ये पिंक क्रिस्टल चुना है उनके मैसेजेस देख लेते चलिए क्या है। तो पहले ये देखते हैं क्या आया है। Let go of stress. Don't take on other people's stress. Breathe it out now. अगर आप दूसरों की स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज की स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी भी स्ट्रेस लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अभी आप परेशान हो लेकिन बाद में उसका सोल्यूशन निकल ही आएगा। तो किसी चीज कि वो स्ट्रेस लेके आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, आपके हायर सेल्फ ये कहना चाहते हैं। करियर का आया है, हो सकता है अब करियर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर करियर में आपके बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये तो आप करियर को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करियर में क्या चुनना चाहिए, तो प्लीज आप गाइडेंस ले लीजिए किसी की जो आपको अच्छे से गाइड करे। काउंसलिंग की जरूरत होगी तो आपको, तो आप प्लीज किसी से पूछ लीजिए, किसी से एडवाइस ले लीजिए, और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपके नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। रोज आया है, रोमांस इन द एयर। तो हो सकता है आपका कोई पार्टनर आने वाला हो, कोई न्यू पार्टनर आने वाला हो, अगर आप सिंगल हो आपके लिए कोई आने वाला हो। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्यार और खिलने वाला है, इस रोज की तरह ऐसे ही ब्लॉसम करेगा। चलिए और देख लेते हैं क्या है। हे स्टिक आया है, कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो आपको कर्मा के हिसाब से फल मिलने वाला है। आपके जैसे भी कर्म होंगे, आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है, आपने बुरे कर्म किए होंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से था, वो आपको बताना चाहते हैं। और देखते क्या आया है। बिलीव इन योर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर बिलीव करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। आपको अपने पर बिलीव करना चाहिए, अपने हायर सेल्फ पर बिलीव करना चाहिए, आपको उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में सबसे सही और सबसे अच्छा सोचते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड एंजॉय द लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढिए, आपके हायर सेल्फ ने कहा। तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं ना कि अगर आप अभी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे तो बाद में आपको और बड़ी बड़ी खुशियां भी मिलेंगी। तो छोटी छोटी चीजों में इंजॉय कीजिए आप, और अपने ऊपर तो सबसे ज्यादा आपको बिलीव करने की जरूरत है। किसी और पे करिए ना करिए, अपने आप पे तो जरूर होना चाहिए। कैरियर पे ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया प्यार आने वाला हो। अगर नहीं तो फिर अभी आप जिस पार्टनर के साथ हो तो उनके साथ आपका रिश्ता और बहुत गहरा होने वाला है, और आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इससे अपने आप को ही परेशान करोगे, अपने आप को ही दुख पहुंचाओगे। तो स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस से क्या होता है कि माइंड आपकी एनर्जी सोखने लगता है, आपके अंदर जो एनर्जी आप अच्छी जगह लगा सकते हैं, इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, आप परेशान रहेंगे। तो स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने से कोई काम वैसे भी नहीं होने वाला। तो ये थी आपकी रीडिंग, चलिए नेक्स्ट पायल की तरफ चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन लोगों ने येलो स्टोन चूज किया चलिए उनकी रीडिंग देख लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आए हैं। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। अब आपको
आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि डिसीजन लेने का समय आ चुका है, जो आपको चाहिए उस पे आपको डिसीजन लेना है और अब यही राइट टाइम है कि आप डिसीजन ले लीजिए। तो आपके हायर सेल्फ आपको सही टाइम पे आपको आके बताने बता दिए हैं कि अब तुम्हारे पास समय आ चुका है डिसीजन लेने का, तो अब तुम ले लो। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीयर आया है, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। हो सकता है आपसे कोई चीज जो दूर होने वाली है आप उस पर थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा पेन होगा, जो अब आपके साथ ना रहे। कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी बहुत आपके दिल के करीब हो सकती है, कोई छोटी मोटी जो भी आपकी चीज होगी जो आपको बहुत प्यारी होगी, हो सकता है अब वो आपके साथ ना हो तो उसका दर्द होगा आपको। इन फ्यूचर भी हो सकता है, इन नियर फ्यूचर या अभी ऐसा होने वाला होगा या फिर हो रहा होगा आपके साथ ऐसा कुछ। बेल, कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, कुछ हो सकता है कि कोई गुड अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और वैसे तो मोस्टली गुड अनाउंसमेंट में ही देखा जाता है, लेकिन हो सकता है कोई बुरी खबर भी आ सकती है। तो लेकिन हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि कोई अच्छी खबर ही आएगी, क्योंकि एक बेल का और अनाउंसमेंट का मतलब हम लोग पॉजिटिव वे में ही देख रहे हैं। तो हो सकती है कोई अच्छी न्यूज आने वाली, जॉब से रिलेटेड, लव लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आएगी। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम, देखिए हो सकता है कि ये वाला जो हार्ट एक हो रहा आपको दर्द होगा, हो सकता है कोई चीज आपकी खो जाए तो उस पर आपको थोड़ा दुख होए, बुरा लगे, लेकिन बाद में वो मिल जाएगा। टेम्पररी प्रॉब्लम भी है, या फिर हो सकता है इसका और इसका कोई रिलेशन ना हो, हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई सिचुएशन आ जाए जिसका आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा हो। टेम्पररी प्रॉब्लम है, इसका डिसीजन हो सकता है लेने को बोला, हो सकता है इसका कनेक्शन इससे हो, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जो चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़े समय के लिए अपने आप सही हो जाएगी। और मैसेज देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। इंस्पायर यंग माइंड, आप हो सकते हैं बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। यंग आपसे जो छोटे लोग हैं अभी, जो आपसे जो छोटे लोग हैं जो अभी अब न्यू जनरेशन है, जो आप उनको इंस्पायर कर सकते हो अपनी बातों से, अपने थॉट से। आपने इतना एक्सपीरियंस ले चुका है कि अब आप दूसरों को राह दिखा सकते हो। और देखते हैं, होम स्वीट होम आए हैं, तो हो सकता है अभी आपके साथ आपका फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है। हो सकता है आप घर पे भी, अभी तो बहुत लोग घर पे है, तो आप लोग अभी घर पे हो तो आप, मुझे लगता है बहुत घर पे अपने लोगों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, उनके साथ आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीजें हो रही होंगी आपके फैमिली फैमिली की चीजें सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सही हो रहा होगा। तो होम स्वीट होम आया मतलब आप और आपकी फैमिली सब साथ मिलकर अभी खुशी से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए अगर आपसे रेजोनेट करता है तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने ये पर्पल क्रिस्टल चूज किया है उनकी कार्ड देख लेते हैं, चलिए क्या मैसेज है उनके लिए। वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। आप जो गोल अपना देख रहे हैं, जो आप ड्रीम देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको उससे पहले वहां तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप पहुंच सकते हैं। अगर आप सोचे कि वो तुरंत मिल जाए तो ये नहीं हो सकता। अगर आप कैरियर में भी है, कैरियर की ही बात मैं लेके चलूंगी, या फिर आप कोई भी ड्रीम है तो उस पहले हम छोटी चीजों से ही स्टार्ट करते हैं, कि कोई भी छोटी अचीवमेंट होती है वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी बन जाती है, उस एक एक कदम चल के ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं, तो एक बार ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आप परेशान है कि अब आपका गोल कैसे अचीव होगा, तो अगर आप छोटे छोटे कदम भी ले रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी तो है ही है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है आपका। सन का कार्ड आया है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए आपका ड्रीम पूरा तो जरूर होगा, इसने इसका प्रूफ दे दिया है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड है। ग्रास हॉपर आया है, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। सिचुएशन
अगर कोई सिचुएशन है तो वो बैलेंस हो सकती है, उसके लिए आप केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है. आप केयरफुल सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो वो बैलेंस हो ही जाएगी. क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. हो सकता है कोई आपको कोशिश करे आपके इच्छा अनुसार, बिना इच्छा अनुसार आपके, मतलब आप जो चाहते वो ना करके आपको कोई और काम करवा रहा हो. आप नहीं चाहते करना लेकिन वो अपने लिए करवा रहा हो, अपनी मर्जी से आपको करवा रहा हो कोई काम. तो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, कोई आपसे करवाना चाह रहा हो कोई काम. बी अमेजिंग, तो वो कोई आपका हायर सेल्फ आपसे कह सकता है कि आप अमेजिंग तो हो और अमेजिंग ऐसे ही रहो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अमेजिंग हो. हो सकता है जो ये पायलट चूज किया है वो बहुत, वो पर्सन सबकी लाइफ में बहुत खुशियां लाता हो, बहुत बातों से लोगों को, जैसे ही वो उसकी उनका प्रेजेंस ही लोगों को खुश कर देने वाला होगा. डोंट बी अफ्रेड टू बी ग्रेट. डरने की जरूरत नहीं है आपको. डोंट बी अफ्रेड टू बी ग्रेट, ग्रेट होने से. तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो उससे उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है. और आप जब ग्रेट हो रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप जिससे ड्रीम आया है आपका, तो हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रेट हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, मतलब बड़े ऐसे नहीं बड़े हो रहे, मतलब बड़े आदमी बन रहे हो, बड़े वैसे पोस्ट वगैरह में बड़े बन रहे हो. तो डरने की कोई बात नहीं. डोंट बी अफ्रेड टू बी ग्रेट, डरने की जरूरत नहीं है. हमेशा आप ऐसे ही अमेजिंग रहिए, बस यही कहना चाहेंगे आप. तो बहुत अच्छे आए थे आपके कार्ड्स. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. और आपसे एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप लोग को अपने पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करना है, अगर इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर रिलेशनशिप पे ज़रूर लेकर आऊँगी. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.